हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। एंड मंडे के लिए बहुत बेहतरीन सी पिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, फुल टू एनालाइज करके पूरी तैयारी के साथ में। तो चलिए शुरू कर दें, मंडे रॉक कर देंगे, बैंक कर देंगे। अगर सब कुछ अपने हिसाब से रहा और एज पर ट्रेंड रहा, जैसा प्रिडिक्शन किया है, अगर ऐसा रहा तो मंडे बहुत बेहतरीन जाने वाला है। उससे पहले मैं फ्राइडे की ट्रेड्स को जरूर रिव्यू करूंगा एक बार। तो फ्राइडे से शुरू करते हैं, बहुत क्विकली इसको फिनिश अप कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ फ्राइडे में रिव्यू करने के लिए है नहीं। सबसे पहली ट्रेड की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक। और उससे पहले बात करते हैं कि जैसा हमने सोचा था अपना मार्केट के लिए कि फ्राइडे को मार्केट रेंज में रहने वाला है आफ्टर एक्सपायरी, बुलिश थी इसी वजह से, और वैसा ही हुआ, मार्केट फुल टू रेंज में रहा। तो बिल्कुल इसको आगे करेंगे शुरू, उससे पहले एक बार इंडसइंड बैंक को रिव्यू करते हैं। इंडसइंड बैंक बाय बाय करना था 1341 के ऊपर, 1339, 1349, 1351 टारगेट से स्टॉप लॉस यूज़ करना था 1331। अब आप लोग कहें अगर कि इंडसइंड बैंक एग्जीक्यूट हुआ था, तो मैं कहूँगा इंडसइंड बैंक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। इंडसइंड बैंक 1341 के ऊपर 1 मिनट भी नहीं रुका। तो भाई सीधा 9:15 पर ही थोड़ी ट्रेड ले लेनी है। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि एटलीस्ट 3-4 मिनट तो रुक जाओ, सेटल अप तो होने दो। मैं कभी भी अपनी ट्रेड 9:18 से पहले कभी नहीं लेता, चाहे मार्केट मेरे मेरे लिए कितना भी प्रॉमिसिंग लग रहा हो। क्योंकि जितना भी वॉल्यूम इन्फ्यूज़ होना होता है मार्केट में दोनों साइड से, सारी पोजिशन कवर अप करने के बाद, वो शुरू के 2 से 3 मिनट में हो जाता है। उसके बाद जब सेटलमेंट हो जाता है एबव या बाय, एबव लेवल पे या बिलो लेवल पे, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन लेना है। उससे पहले एग्जीक्यूशन मत लेंगे, फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे। और इंडसइंड बैंक में शायद ऐसा ही हुआ। अगर आप चार्ट रिव्यू करेंगे आपको क्लियर पता चल जाएगा, और मैं क्लियर ही ये मैं अपने आप को मान के चलता हूँ कि 3-4 मिनट एटलीस्ट लेवल के ऊपर सस्टेन हो, एटलीस्ट 1-2 कैंडल्स तो दे, अच्छे वॉल्यूम के साथ तो दे, तभी आगे बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्विकली कोई भी डिसीजन नहीं लेना, बहुत बड़ा मार्केट है, 3:30 बजे तक का टाइम है, तो शुरू के 2 मिनट में ही थोड़ी फिनिश अप कर लेना है, आराम से करेंगे। और नेक्स्ट स्किप था ग्रैनुअल्स, बहुत बेहतरीन हिट लगाया लेकिन नॉन एग्जीक्यूटेड रहा, क्योंकि 160.80 के पास से बाय करना था और थोड़ा सा शायद ऊपर वो अबव ओपन हुआ था, लोगों ने ट्रेड किया, अच्छा पैसा बना ग्रैनुअल्स में, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरी तरफ से ग्रैनुअल्स नॉन एग्जीक्यूशन लिस्ट में रहेगा, अजील नॉन एग्जीक्यूशन लिस्ट में रहेगा, प्रॉपर मतलब पूरा कन्फ्यूज करके अपसाइड गया। और अगेन, अगर आप कनेक्ट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल से तो बिल्कुल तुरंत हो जाइए, मार्केट से रिलेटेड अपडेट सब कुछ मैं ऑल टाइम यहाँ पोस्ट करता हूँ, और बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जस्ट आपको गेम चेंजर टी टाइप करना है टेलीग्राम पर, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग जीरो टाइप करके, थोड़ा सा नॉइजी है लेकिन आप अपनी क्वेरी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर ग्राफिन की बात करें, जैसा मैंने बोला था, वॉक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, चांसेस थे कि 805 मुझे लग रहा था, चांसेस थे कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और दोनों चांसेस थे कि नीचे, ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन का भी पूरा चांसेस था, लेकिन मार्केट मेरे माइंड में थोड़ा सा बुलिश था, रेंज में लेकिन बुलिश था, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि अपसाइड ब्रेक डाउन देगा, लेकिन एज पर चार्ट, एज पर टेक्निकल ग्रासिम ने फॉलो किया और बिल्कुल ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड। मेरा माइंड में था कि शायद ग्रासिम को एक बार ट्रेड किया जाए, लेकिन फिर मैंने स्किप किया। ये 801 के नीचे बहुत अच्छा सेलिंग ग्रासिम शो कर रहा था, लेकिन मैंने इसको स्किप किया। एंड USDNR प्रॉपर नॉन एग्जीक्यूशन रहा। इसके अलावा और बहुत बेहतरीन हिट हमने लगाई, UPL पूरा बैंक कर दिया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हैं। और 31,500 की कॉल, जबरदस्त हिट लगाया था 152 के पास से, इसको हमने 175 का टारगेट था और उससे भी ऊपर लेके गए थे, ये वन ऑफ द बेस्ट हिट रही मेरी। और इसके अलावा भी बहुत सारी हिट्स हमने इसके बाद में लगाई, आई बुल्स भी हमने ट्रेड किया था, आई बुल्स भी अच्छा ट्रेड किया था, 323 से पिक था, लेकिन थोड़ा सा नज़रअंदाज की दूर सा क्या बोलते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना गली घटी वाली बात हो गई, थोड़ा सा नज़रअंदाज किया, 323 से सीधा 326 पहुंच गया, 326 से भी पिक किया, 329 अच्छा टारगेट इंडिया बुल्स ने यहाँ से भी लगाया। तो ऑलमोस्ट लगा के बहुत बेहतरीन दिन हमारा रहा, बहुत बेहतरीन हमने हिट्स लगाई। अगर आप कनेक्ट नहीं है तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए। आप शुरू करते हैं अपने 10 फरवरी की ट्रेड्स को, मंडे की ट्रेड्स को, और बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं अगर एज पर ट्रेंड सब कुछ रहा तो। ट्रेंड मुझे लग रहा है बेयरिश टर्न होता हुआ, निफ्टी क्लोजिंग दिया है 12,098.35, बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है 31,201.95, निफ्टी हल्का सा माइनर डाउन साइड मुझे दिख रहा है ओपन होता हुआ, 12,070 से 12,080 मुझे लग रहा है कि ओपन होगा। और इसी के साथ में मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिसको मैं माइंड में रखूंगा, वो है पॉइंट मेरा 12,040। बैंक निफ्टी ओपनिंग भी मुझे माइनर डाउन साइड लग रहा है, 31,120 से 31,040 के बिटवीन, या फिर थोड़ा सा और डाउन हो सकता है, और इसके लिए भी मैं एक पॉइंट अपने माइंड में सोच के रखूंगा,
31,080, ये दो पॉइंट्स हमारे माइंड में रहने चाहिए। इसी को माइंड में रखते हुए हम ट्रेड करने जा रहे हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और टफ कर देता हूँ, 31,060 कर देता हूँ। तो फाइनली मार्केट बियरिश टर्न हो रहा है। टेक्निकली मुझे बियरिश टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरी सारी स्क्रिप्ट बियरिश है। सभी स्क्रिप्ट में जो मोस्टली सेल प्रेशर जिन पे ज़्यादा है उन स्क्रिप्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। स्ट्रेटजी क्या है, 12,040 अगर निफ्टी ब्रेक करता है फर्स्ट सेशन में, इसके नीचे ट्रेड करता है, या 12,060 के नीचे भी अगर निफ्टी ट्रेड करता है फर्स्ट सेशन में, बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर में आ जाएगा। तो 12,060 के नीचे बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर 12,040 के नीचे टिका फर्स्ट सेशन में, जबरदस्त ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है, इंटेंस ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है, और कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है सेल साइड में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सेम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 31,040 पॉइंट बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। बी ट्रू 31,040 तक अगर है तब भी थोड़े चांसेस हैं कि पुल बैक देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे जाना शुरू हुआ और 30,800 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, या शार्प 30,800 की तरफ गया, मतलब अब की बार लग रहा है कि बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन होगा, और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। 29,000 का लेवल है, कितना देर जाके रुकेगा ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये दोनों लेवल सिक्योर करना बुल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बियर्स इस बार बहुत हैवी होने वाले हैं, ऐसा टेक्निकली मुझे दिखाई दे रहा है, और जबरदस्त सेल ऑफ मार्केट में देखा जा सकता है अगर ये दो लेवल ब्रेक हुए तो। ये क्रूशियल पॉइंट है, 30,800 के नीचे माइनर सा भी जर्क मिला, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखा जा सकता है। 11,940 के नीचे ज़रा सा भी सेल ऑफ मिला, बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग देखी जा सकती है, जो कि 580 11,580 तक लीड कर सकता है निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को तो मैं क्या बताऊं, 29,600 29,800 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी मंडे की ट्रेड्स, जिसमें फर्स्ट मेरी ट्रेड्स है बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स है, वो है कैनरा बैंक। बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है चार्ट पर। कैनरा बैंक को रिव्यू करने से पहले एक बार मैं बैंक निफ्टी को जरूर रिव्यू करना चाहूँगा चार्ट पर। सो पहले बैंक निफ्टी के पास चलते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मुझे लग रहा है कि मार्केट पे सेल प्रेशर है। पहले लॉन्ग टर्म्स के फ्रेम से शुरू करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स के फ्रेम जितनी सच्चाई दिखाते हैं उतनी सच्चाई शॉर्ट टर्म्स के फ्रेम्स नहीं दिखाते। शॉर्ट टर्म्स में आप बोल सकते हैं कि आपको हल्का सा नॉइज देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं वनडे से शुरू करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन 200 MA के पास से पुल बैक हुआ था, 29,880 के लेवल के पास से पुल बैक हुआ था। 3 कैंडल्स के बाद बहुत अच्छा पैटर्न बनाया बाय साइड का, ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर अभी भी क्लोजिंग है। तो मतलब कहा नहीं जा सकता कि अभी सेलिंग प्रेशर है, लेकिन टर्न हो रहा है सेल साइड में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है ना, वो मेंटेन नहीं कर पाया लेवल। 31,480 का लेवल तक क्लोजिंग जरूरी था अगर बुल्स को कंटिन्यू करना था, लेकिन वो लेवल पे क्लोजिंग हो नहीं पाया। और ग्लोबल मार्केट में कोरोना वायरस का कंडीशंस है, और भी बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स की सेंटिमेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट पे, तो लग रहा है कि एक बड़ा सेल ऑफ हो सकता है अगर लेवल्स मेंटेन नहीं हुए तो। अगर आप चार्ट पर देख सकते हैं आपको क्लियर पैटर्न दिखाई देगा, ये कुछ एक पैटर्न है। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी नॉलेज आपकी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। आप क्लियर समझ गए होंगे कि हाँ सेल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं फ्रेम्स को थोड़ा सा बड़ा करता जाऊँ, 4 आवर्स में आ जाऊँ, तो आपको दिखाई देगा कि एक जबरदस्त शूटिंग स्टार बनता हुआ बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद, वो भी रेड कलर का। ये रेड कलर का मतलब है, रेड और येलो कलर का मतलब है, जब मेरी कैंडल रेड और येलो कलर की मिक्स हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रही है कि बायर्स को बाय साइड पे सपोर्ट पे रिजेक्शन हुआ है। और एक रिजेक्शन नहीं, आपको ये मल्टीपल रिजेक्शन देखने के लिए मिले, दो रिजेक्शन, इतने अच्छे हैवी बुल के बाद भी रिजेक्शन देखने के लिए मिला, दो रिजेक्शन देखने के लिए मिले, तो कंडीशन लग रहा है कि खतरनाक होती जा रही है। और उसके बाद एक विंडो आपको यहाँ ओपन दिखाई देगी 31,000 के लेवल तक, तो 31,000 का लेवल तो प्रोमिनेंट हो सकता है अगर सेल ऑफ 31,080 के नीचे शुरू हुआ तो। एंड अगर मैं अब मैं फ्रेम्स को और छोटा कर दूँ, चलिए मैं 2 आवर्स में आ जाता हूँ। अभी अब जैसे जैसे मैं फ्रेम छोटा करता जाऊंगा ना, आपको देखेगा, आपको दिखाई देगा कि रेंज बनती जाएगी, एक अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल बनता जाएगा, जो कि कंटिन्यूअसली 200 MA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक दो 2 आवर्स के कैंडल के बाद आपको क्लियर होने लगेगा कि MACD बेरिश क्रॉसओवर देने वाला है। तो देखिए इतने अच्छे बुल के बाद एक रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिला, शूटिंग स्टार टाइप का रिजेक्शन है, या दो जीज बोल सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं,
हल्का सा अटेम्प्ट किया बाई साइड का, लेकिन उसके बाद अगेन रिजेक्शन हो गया। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी एक कोई बड़ी कैंडल, ये कैंडल ग्रीन है और रेड है, बस ये आपको डिपेंड करना है, अगर एक रेड कैंडल के बाद मल्टीपल कैंडल्स जनरेट हो रही है लेकिन वो सारी कैंडल्स ये रेड कैंडल खा रही है, मतलब कि कोई भी कैंडल का बेस इस कैंडल से बाहर नहीं निकल रहा, सारी कैंडल्स इसके कंट्रोल में, तो मतलब सेलिंग प्रेशर जबरदस्त है और बहुत बड़ा गेम आगे देखा जा सकता है सेल साइड पे। सेम अगर ट्रेंड जो है बियरिश है, ये कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन है और बाकी मल्टीपल कैंडल छोटी छोटी बन रही हैं जो कि इस कैंडल्स के पेट के अंदर जा रही है, तो आगे हैवी बुलिशनेस देखी जा सकती है एज पर वाइस वर्सा इसको लेके अगर आप चलें तो। चलिए फ्रेम स्विच कर देते हैं 1 आवर, 1 आवर आपको बीरिश क्रॉस ओवर द होता हुआ दिखाई दे गया फाइनली। और मल्टीपल रिजेक्शन 200 ml लाइन के पास क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा सेल प्रेशर है, बुल्स को बहुत ज्यादा हैवी होना पड़ेगा अगर उनको आगे जाना है तो मंडे का दिन बहुत प्रेशर वाला रहने वाला है, मंडे को फुल टू बुलिशनेस, बुल्स को हैवी होना ही है मार्केट पे अगर आगे जाना है तो, अदरवाइज कंडीशन जो है टफ होने वाली है बुल्स के लिए आगे। 15 मिनट्स में आ जाएंगे कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेशन, मतलब कि बुल्स क्यों रुक गए, मेरे माइंड में यही बात आ रही है बार बार कि इतना अच्छा बजट के बाद में बुल्स ने इतना अच्छा पिकअप किया लेकिन वो रुक क्यों गए, आखिर ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि वो रुक गए, मतलब वो कुछ वेट कर रहे हैं भाई, कुछ बड़ा होने वाला है आगे इसलिए रुक गए, अक्यूमुलेशन शुरू हो गया है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में, सब कुछ प्रेशर में, चांसेस है कि भाई बुल्स शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलने वाला है, एटलीस्ट 30,000 तक तो देखने के लिए मिलने वाला है ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए बिना देर के स्विच करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रेड पे, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक को मैं सेल करने जा रहा हूँ 189 के लिए, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 185, सेकेंड 184, और मेरा दिल कह रहा है कि कैनरा बैंक 178 हिट करने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन इतना नहीं सोच रहा है, मैं डे ट्रेडर हूँ, छोटा सा ट्रेडर हूँ, 25,000 रुपये यूज़ करके 1 से 2,000 रुपये दिन के कमा पाता हूँ, और मैं इतना ही सोचता हूँ, इससे ज़्यादा मैं सोचता ही नहीं हूँ, 50,000 वाला रिस्क मैं नहीं लेता कि एक ट्रेड में सारा पैसा लगा के 50,000 लॉस करा दूँ, वो रिस्क मैं नहीं लेता, मेरे पास सिर्फ 25,000 है और 1 से 1,500 मुझे डेली चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे सोचना ही नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी ट्रेड्स प्लान करता हूँ। 189 के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट आगे 185, सेकंड 184, मुझे दिखाई दे रहा है, इजीली दिखाई दे रहा है। चलिए 15 मिनट्स का फ्रेम अगर आप रिव्यू करें, कंटिन्यूअसली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर, लेकिन चारों मैजिकल लाइंस के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो और लास्ट कैंडल में ब्रेकडाउन देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ में दिखाई दे रहा है। एडीएक्स ने ग्रीन लाइन को क्रॉस करके नेगेटिव लाइन में ऊपर जाना शुरू कर दिया, हाउएवर आप कह सकते हैं कि हार्ट लाइन थोड़ा सा अनट्रेंडी है, लेकिन फ्रेम्स अगर आप चेंज करेंगे माइनर में जाएंगे तो आपको ट्रेंड में दिखाई देगी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आरएसआई नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स हमारे फेवर में। 189 के नीचे एक भी कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के नीचे अगर कैनरा बैंक शो करता है 188.80 बेहतरीन एग्जीक्यूशन लेवल रहेगा सेल के लिए, अगर शो करता है टारगेट इजीली आने वाला है और ये पूरी कोशिश करेगा अपने नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होने की जो कि है 181 के आसपास का, लेकिन हमारा टारगेट जो है इतना बड़ा नहीं है, 184 तक हम सोच के चल रहे हैं और मुझे इजीली दिखाई दे रहा है प्रेशर रहा तो कैनरा बैंक बड़ा कल्पिट होने वाला है, इजीली 184 देने वाला है। चलिए स्विच करते हैं नेक्स्ट स्किप पे, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल भी लग रहा है कि थक गया है, अब 537 के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 531, सेकंड 529, स्टॉप लॉस में यूज करने जा रहा हूँ 543। चलिए क्विकली स्विच करते हैं भारतीय एयरटेल चार्ट पर, 537 के नीचे सेल प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, 529 तक का, 523 तक का लेवल मुझे इवन दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट्स के फ्रेम में आप देख सकते हो मैक्सिमम लार्ज कैप में आप देखेंगे कि एक्यूमुलेशन लेवल सभी में आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम स्टॉक्स में दिखाई देगा, मतलब कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, जब भी एक्यूमुलेशन सभी में एक साथ दिखाई दे, सपोर्ट असिस्टेंस के पास कंजेशन बॉक्स में दिखाई दे तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, या तो बुल या बियर, लेकिन बड़ा खेलने का गेम है ऐसा मार्केट शो करता है, प्रेशर है मुझे लग रहा है कि बियर इस साइड जाने वाला है, सो क्लियरली क्लोज है अपनी असिस्टेंस लाइन के नीचे, एक ब्रेकडाउन अच्छे वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम नोटिस कीजिएगा सभी स्क्रिप्ट में, वॉल्यूम नोटिस कीजिएगा लास्ट में, वॉल्यूम जबरदस्त है बहुत सारी स्क्रिप्ट में, हाँ मतलब क्लोजिंग के टाइम पे श्योर है बंदों को जो बड़े प्लेयर हैं कि भैया बड़ा गेम खेलेंगे इस बार, सेल साइड में सभी में जबरदस्त वॉल्यूम दिखाई दे रहा है डेवलप होता हुआ, IDX देखिए कितना बेहतरीन इंडिकेशन दे रहा है, वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त डेवलप हुआ है लास्ट कैंडल में, ऑन बैलेंस वॉल्यूम जबरदस्त क्रॉस ओवर, RSI देखिए 37, मतलब अगर सब कुछ अपने एज पर प्रिडिक्शन रहा ना जैसा सोचा अगर मार्केट वैसा गया, 5 की 5 हिट लगेंगी, जबरदस्त हिट लगेंगी और बैंग कर देंगे, इसके अलावा कुछ रहा मैं कंटिन्यूस अपडेट करूंगा, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिएगा आप, तो 537 के नीचे जबरदस्त सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है और इजीली 527 500
525 तक तो कोई हॉल्ट ही नहीं है भारतीय एयरटेल में, लेकिन जो मेरे टारगेट्स हैं वो 529 तक के हैं। 525 के नीचे अगर मुझे मिलता है इजिली 6 से 7 पॉइंट भारतीय एयरटेल मुझे देने वाला है। स्टॉप लॉस में माइनर यूज करने जा रहा हूँ 547। तो बहुत बेहतरीन स्थिति में भारतीय एयरटेल सेल साइड में मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएल की, और इसको मैं डिस्क्राइब करने से पहले ही जीसी लिस्ट में जरूर डालना चाहूंगा। ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है 509 के नीचे मैं सेल करने जा रहा हूँ आईजीएल को। 503, 501, 497 मेरा डीटी मुझे दिखाई दे रहा है, ड्रीम टारगेट जिसको मैं बोल रहा हूँ। 509 के नीचे सेल करूंगा। 503, 501 बहुत बेहतरीन टारगेट दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस मैं यूज करने जा रहा हूँ 515। तो चलिए क्विकली स्विच करते हैं आईजीएल पर। 15 मिनट्स के अगर आप चार्ट में देखेंगे 509 पे ब्रेक डाउन दिया है आईजीएल ने, नो डाउट दिया है, और 503 तक गया, लेकिन क्विकली स्विच ओवर करके अपसाइड जाने की पूरी कोशिश की गई। अगर मैं फ्रेम शॉर्ट कर दूं, अगर मैं 30 मिनट्स में आ जाऊं, कहानी थोड़ी चेंज आपको दिखाई देगी। स्विच किया लेकिन क्रॉसओवर को बदल नहीं पाया और कंटिन्यूअसली क्रॉसओवर के नीचे ट्रेड कर रहा है और पूरा पुश करेगा। एंड आई एम श्योर हूँ अगर ट्रेंड सपोर्ट में रहा, सेम रहा, और आप देखेंगे कि अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, अक्यूमुलेशन लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, 515 के ऊपर, 513 के ऊपर आईजीएल को रुकना ही होगा अगर इसको फर्दर अपसाइड जाना है। अदरवाइज पूरी तरह से ही मुझे सेल साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 जो मेरा लेवल है बहुत बेहतरीन है, 509 के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। इजिली ब्रेक डाउन मुझे दिखाई दे रहा है एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल के नीचे। अगर मैं सेल करूँ 509 के नीचे, बहुत बहुत बेहतरीन स्थिति में, फर्दर डाउनफॉल जो है इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि इजिली एटलीस्ट 200 MA तो टच करेगा ही करेगा, जो कि 499 के आसपास है, लेकिन मेरे टारगेट्स जो है 501 तक ही है। वॉल्यूम अच्छा डेवलप किया है, वॉल्यूम प्रीवियसली डेवलप किया सेल साइड में, क्लोजिंग टाइम भी प्रॉफिट बुक होकर वॉल्यूम वापस आ गया बाय साइड में, लेकिन लास्ट कैंडल में फिर से वॉल्यूम जनरेट हुआ है सेल साइड में। तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशन अच्छी है। एडीएक्स हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, 30-23 पे ट्रेड कर रही है, नेगेटिव लाइन ऑलमोस्ट पॉजिटिव अपने साथ में, ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी सेल साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आरएसआई 41 पे ट्रेड करता है। ऑलमोस्ट 509 के नीचे स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी, अपनी साइड में हो जाएगी, और आराम से 499 तक आईजीएल को देखा जा सकता है। सो चलिए बिना देरी किए स्विच करते हैं नेक्स्ट स्किप पे, क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा स्किप है मेरे पास। और उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल हो जाइए, बहुत ईजी है, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। अगर इंस्टॉल नहीं है, गेम चेंजर्स टी टाइप करके आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन चैनल है। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आप हमेशा कनेक्ट ही रहेंगे। लाइव मार्केट से रिलेटेड एवरीथिंग न्यूज, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड एवरी न्यूज मैं यहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। इक्विटी, कमोडिटी, एमसीए, फुल फ्लेज चैनल, एवरीथिंग मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग जीरो टाइप करके, बहुत बेहतरीन है, और अपनी क्वेरी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। चलिए स्विच करते हैं नेक्स्ट स्किप पे। यूपीएल मुझे सेल प्रेशर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 543 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ, 541 के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। 535, 533, 528 तक के टारगेट्स मुझे यूपीएल में दिखाई दे रहे हैं। सो 541 के नीचे बहुत ज़्यादा वीकनेस यूपीएल शो कर रहा है। अगर आप जैसे देख सकते हैं 50 मिनट के चार्ट में पूरा डाउन गया, 543 के नीचे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन पूरे बहुत बेहतरीन तरीके से पुल बैक किया। अगर आप एज पर चार्ट जाएंगे तो बहुत बेहतरीन कैंडल है, जो कि कह रही है कि अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक कैंडल से सब कुछ जज नहीं कर सकते ना। आप वॉल्यूम देखिए, जैसा मैंने आपको बताया क्लोजिंग वॉल्यूम देखिए, हर एक कैंडल का वॉल्यूम जबरदस्त जनरेट हुआ है सेल साइड में। ऑन बैलेंस वॉल्यूम देखिए, सेल साइड दिखाई दे, आरा साइड देखिए, और क्रॉसओवर बहुत बेहतरीन, नेक्स्ट कैंडल में क्रॉसओवर मिल जाएगा, और अपनी रेसिस्टेंस लाइन के एकदम ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने। लेकिन अगर फर्दर ब्रेकडाउन देता है 543 के पास से क्लोजिंग सेलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डिफेंसिव जा रहा हूँ, मैं 541 के नीचे इसको सेल करने जा रहा हूँ। इसकी प्रीवियस कैंडल्स जो भी दो जनरेट हुई हैं आप देख रहे हैं ना, इन दोनों मसल्स के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन स्थिति में। और अगर कंटिन्यूसली बना रहा, बिल्कुल ये स्विच करेगा अपने एक्सट्रीम बॉटम रेसिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल के पास में, जो कि 537-535 की रेंज में, और जो मेरे टारगेट्स हैं वो उसी के आसपास हैं, 535-533। बहुत अच्छी बुकिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मार्केट हैवी रहा, सेलर्स हैवी रहे, 528-527 का लेवल भी यूपीएल में देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्किप है बर्जर पेंट, ये भी सेम मुझे स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है 566 के नीचे, मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। 560, 558, 553 तक के टारगेट्स मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा, मैं छोटा प्लेयर हूँ, 25,000 से ट्रेड करता हूँ, बस 2-3 हज़ार रुपये का ही सोचूंगा। सो 560, 558 बहुत अच्छे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस मैं यूज करने जा रहा हूँ 570, मैंने स्टॉप लॉस में छोटा रखा, आप माइंड करेंगे, अगर आप गौर करेंगे सिर्फ 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ी ट्रेंड चेंज है, मैं इसको रीअटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, ये शायद मेरा स्टॉप लॉस खा सकता है, तो मैं कम क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। 566 के नीचे इसको सेल करूंगा,
टारगेट हिट हुआ अच्छा है, अगर नहीं हुआ फिर से मैं इसको रीअटेम्प्ट करूंगा 566 के लेवल से। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए स्विच करते हैं बर्जर पेंट पर। 570 के पास क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जाएं, प्रीवियस सारे लेवल्स कलेक्ट करें तो आप देखेंगे, प्रीवियस एसआरआर लेवल कलेक्ट करें तो 566 के नीचे हेवी हैवी सेलिंग बर्जर पेंट में दिखाई जा सकती है, देखी जा सकती है। और जैसा मैंने सेम कहा, सारे स्टॉक्स में क्लोजिंग टाइम पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है सेल साइड में, इंडिकेटर सारे सपोर्ट में, ऑन बैलेंस आरएसआई वॉल्यूम एवरीथिंग की सपोर्ट में, और सस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेक्निकली प्रेशर सेल साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मार्केट मॉर्निंग में पुल बैक किया बुल साइड गया कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक भी स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, पांच के पांच डंब रह जाएंगे। आप बोल देना यार आपका कोई भी स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं खुशी खुशी बोलूंगा नहीं हुआ ना, मत होने दो, लॉस तो नहीं हुआ ना, जीरो रहा ना सब कुछ, जीरो में भी खुश हो, खुश होना चाहिए जीरो में भाई, जीरो इज मोर देन माइनस वन रुपीज। सो बर्जर पेंट चारों मैजिकल लाइंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं बहुत डिफेंसिव जा रहा हूँ, 566 के नीचे ही मैं इसको सेल करूंगा जब तक मुझे एक्सट्रीम सेल सिग्नल नहीं मिलेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और बड़ा अच्छा सा फॉल देखने के लिए मिलने वाला है, 557 560 तक का लेवल आराम से देखने के लिए मिलने वाला है। सेम वही मेरे टारगेट्स हैं 558 560, 6 से 7 पॉइंट्स बनाना इंट्राडे में बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ये बहुत बेहतरीन पांच स्टेप मैं आपके लिए लेके आता हूं, इसके साथ में मेरे पास आपके लिए एक है जैकपॉट ऑप्शन जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, और वो है रिलायंस। रिलायंस 1380 पी ट्रेड कर रहा है 11 के आसपास, मैं रिलायंस 1380 पी बाय करने जा रहा हूं 10 के रेट से, मेरा टारगेट रहने वाला है 25-30, और अगर बात बनी और सेल ऑफ अगर सिर्फ सेल ऑफ 2 से 3 दिन में देखने के लिए मिल गया, मतलब इस वीक में सेल ऑफ देखने के लिए मिल गया, तो भैया टारगेट बड़ा भी हो सकता है, टारगेट जो है 40 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इतना सोचना ही नहीं मुझे, 10 से लगा के 25 पहुंच गया मैं, बहुत बड़ी बात है। लॉट साइज है 500, स्टॉप लॉस में यूज कर रहा हूँ 4, 500 का लॉट साइज है, यानी कि अगर मैं 15 पॉइंट बुक कर पाया 7,500 से 8,000 पर लॉट मुझे मिलने वाला है, रिस्क रहेगा मेरे पास सिर्फ 3,000 पर लॉट, तो मतलब कि 3,000 रुपये लगा के 8,000 मुझे मिलने वाला है, यही ऑप्शन की खासियत है। इससे पहले मेरी वीडियो ऑप्शंस पे आइए, अगर आप ऑप्शंस पे थोड़े से भी डाउट में आपको समझ नहीं आता है ब्लाइंडली प्लीज ट्रेड मत कीजिए, ये बहुत ही जहर चीज़ है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा आपसे, ठीक के ट्रेड कीजिए। और अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, मार्केट बुलिश रहा, ऑफकोर्स एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन मार्केट बियरिश रहा, रिलायंस जो है बहुत बड़ा कल्प्रिट होने वाला है और जबरदस्त सेल ऑफ दिखा सकता है, तो ये ट्रेड बहुत बड़ी मतलब जैकपॉट ऑफकोर्स हो सकती है, इसको ही मैं जीसी लिस्ट में डालूंगा। सो बहुत बेहतरीन स्किप होने वाली, 10 के पास से मैं इसको बिल्कुल बाय करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप कि सभी लेवल्स आपको पसंद आए, एंड लाइक कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है एकदम कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराना मत भूलिए। आप 3 लोगों को सब्सक्राइब कराइए और उन 3 लोगों को बोलिए कि बाकी 3 लोगों को सब्सक्राइब कराएं, और ऐसे ही गेम चेंजर्स को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, एंड मंडे अगर बैंक किया, मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ, अगर मंडे बैंक किया ना पूरा बिग बैंक करेगा, ये मैं श्योर कर सकता हूँ आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मंडे जबरदस्त होने वाला है सच में, ऑल द बेस्ट टू ऑल।